हेलो सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल सिंह और आप देख रहे हैं द इमेजिंग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं फोटोशॉप में। तो दोस्तों, बोके ओवरले इफेक्ट खुद का कैसे क्रिएट करना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप उसे यूज कर सकते हैं अपनी प्री वेडिंग इमेजेस में, अपने एल्बम डिज़ाइनिंग में दोस्तों, अपने पोर्ट्रेट शीट में, या फिर अपनी पोर्ट्रेट इमेज में, या फिर इंस्टाग्राम की इमेज के लिए, फेसबुक की इमेज के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले क्रिएटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बॉक ओवरले इफेक्ट वाला वीडियो। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द इमेजिंग में। तो दोस्तों, आप अपना खुद का बोके ओवरले इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वही आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए हैं, फोटोशॉप मैंने यहां ओपन कर रखा है। तो दोस्तों, एक इमेज यहां हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये इमेज मैंने ओपन यहां कर ली है। तो दोस्तों, ये इमेज का लिंक जो है आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप इमेज को डाउनलोड करके उस पर जो है वर्क करके देख सकते हैं। ये इमेज मैंने unsplash.com से ली है दोस्तों, आप भी वहां से ले सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं इफेक्ट को। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि बोके ओवरले इफेक्ट कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि यहां एक न्यू लेयर बना लेंगे, यहां लेयर में जाएंगे हम और एक न्यू लेयर यहां क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि ये न्यू लेयर मैंने यहां क्रिएट कर लिया। और दूसरा स्टेप है दोस्तों कि इसमें ब्लैक कलर हमें फिल कर लेना है। तो यहाँ एडिट में हम जाएंगे, यहाँ फिल के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम ब्लैक कलर जो है वो फिल कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर हमने फिल कर लिया है दोस्तों। तीसरा जो स्टेप है वो है कि यहाँ फिल्टर में जाकर के हमें जो नॉइस है वो ऐड करना है। यहाँ नॉइस का अमाउंट जो है वो आप अपनी इमेज के हिसाब से रखेंगे दोस्तों। यहाँ गॉसियन रहना चाहिए, यहाँ मोनोक्रोमेटिक रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने मेरी इमेज के हिसाब से सेट कर लिया है, यहाँ मैं कर देता हूँ इसको ओके दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, तीसरा जो स्टेप है वो है गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर हमें इस लेयर को करना है दोस्तों। हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर जो है वो हम हमारी इमेज की हिसाब से कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ कर दिया है हमारे हिसाब से। तो दोस्तों, अब जो चौथा स्टेप है वो है दोस्तों कि हमें थ्रेशहोल्ड जो है वो यूज़ में यहाँ लेना है। थ्रेशहोल्ड में हम जाएंगे और यहाँ से हम अमाउंट को कम करके दोस्तों यहाँ देखेंगे कि कितना थ्रेशहोल्ड हमें चाहिए है दोस्तों। मैंने यहाँ 65 यहाँ ले लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ 69 के समथिंग हम ले लेते हैं, इतना सा थ्रेशहोल्ड आपको यहाँ करना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, जो नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है फेल्ड ब्लर। फेल्ड ब्लर हमें थोड़ा सा करना है, हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे फेल्ड ब्लर जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे ब्लर है, यहाँ पे ब्लर का अमाउंट आप कितना रखना चाहते हैं वो है दोस्तों। इससे साइज जो है वो बड़ा होगा, आपके बॉक का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। ये बॉक लाइट है, लाइट कितनी रखना चाहते हैं आप। और ये बॉक कलर है, कलर हमें चेंज नहीं करना है दोस्तों। और ये है दोस्तों लाइट की रेंज कि बॉक इफेक्ट कैसा आपको दिखना चाहिए, ये देखिए दोस्तों। और ये है दोस्तों ब्लर, यहाँ से आप बॉक का जो साइज है वो बड़ा छोटा जो है वो कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। यहाँ से इस तरीके से आप जो है लाइट बढ़ा सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। इस तरीके से बॉक इफेक्ट जो है वो बन गया है दोस्तों। आप चाहें तो बॉक का जो साइज है वो और भी बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। ये बॉक जो है हमारा क्रिएट हो गया है। फिर हमें यहां से दोस्तों इसको ओके कर देना है, फेल्ड ब्लर को। फेल्ड ब्लर को दोस्तों हमने ओके कर दिया है, प्रोसेसिंग जो है वो फील्ड ब्लर की स्टार्ट हो गई है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये वॉक इफेक्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों हमारा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें यहाँ से बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी करनी है, कंट्रोल जे करके हम एक कॉपी कर देंगे, उसे दोस्तों हम ड्रैग करके यहाँ से वॉक लेयर के ऊपर ले जाएंगे दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इस लेयर को ब्लर कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपने हिसाब से ब्लर अपनी इमेज को इतना सा कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो कैसे बनेगा, उसके लिए दोस्तों हमें यहां से इस लेयर को कर देना है कलर। ये देखिए दोस्तों, अब लेयर को हमने कर दिया कलर दोस्तों, और अब हमें करना है दोस्तों कि इस लेयर को क्लैपिंग मास्क कर देना है नीचे वाले लेयर के साथ। तो उसका शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल जी, और दोस्तों साथ ही यहाँ पे अल्ट का यूज करते हुए दोनों लेयरों के बीच में यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमें नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें नीचे वाली लेयर जो है वॉक इफेक्ट वाली जो लेयर थी उसे सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों यहाँ से, और उसे दोस्तों कर देना है यहाँ से स्क्रीन दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब ये वॉक इफेक्ट जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं वॉक इफेक्ट का। आप यहां से इस लेयर को यहां से सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाली लेयर को, और यहां से इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट में ह्यू एंड सैचुरेशन जो है जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू, उसको भी यूज़ में लेकर के यहां से उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा भी कलर आप रखना चाहते हैं वैसा कलर उस वॉक इफेक्ट का कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको मूव करके दिखा देता हूं वॉक लेयर, ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो कलर वाली लेयर का जो है ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से बनता है दोस्तों खुद का बोके ओवरले इफेक्ट। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप भी सीखें दूसरों को भी सिखाएं, आप वीडियो को शेयर भी करते रहें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे मेरे हर क्रिएटिव वीडियो के। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।